हेलो दोस्तों, लेट स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो करेंगे इंडिया के इंडेक्स के ऊपर। ओके, जो डिफरेंट इंडेक्स निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उनमें इंडिया की क्या रैंक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019, इसमें इंडिया का जो रैंक आया है वो फिफ्थ रैंक आया है इन द साउथ एशियन रीजन में। ओके, और ये जो बीच का जो अपना पोर्शन रहेगा, ये इंडेक्स रिलीज्ड बाय, मतलब कौन उस इंडेक्स को रिलीज़ करता है उसका नाम दिया रहेगा, यहाँ पे उस इंडेक्स का नाम और यहाँ पे अपने इंडिया का जो रैंक आया है उस इंडेक्स में। ओके, तो इसको लॉन्च को इसको जो रिलीज़ करता है वो IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भी काफ़ी अच्छी इंडेक्स है ये। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 140th रैंक है इंडिया का। उसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, 78th जो है वो इंडिया का रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अच्छा रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IFPRI द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इंडिया को 103rd रैंक दिया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला गया है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक इसी वजह से जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट इंडेक्स बन जाता है। 77th जो है इसमें इंडिया का रैंक है। उसके बाद है हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया, हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा। तो इंडिया की तो रैंक इसमें आने से रही, क्यों आने से रही, क्योंकि भाई ये तो पूरा का पूरा इंडिया के बारे में, स्टेट की रैंक आ सकती है यहाँ पे। किसकी रैंक आ सकती है जी, स्टेट की रैंक आ सकती है कि कौन सा स्टेट जो है उस हेल्थ में जो है हेल्थ इंडेक्स में कौन सा वो कौन से नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, ये UNDP जो है निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 130 रैंक है जी इंडिया का। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 115। उसके बाद है जी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018, इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है जेंडर गैप इंडेक्स, ये है जी 108 इसमें पोजीशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2018 नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है, 57th रैंक आई है। उसके बाद है द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, कार्टू एंड फ्रीजर इंस्टीट्यूट है, 110। ओके, 110वां पोजीशन है जी अपना ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ये UN के द्वारा निकाली गई है, इसमें फर्स्ट पोजीशन है जी अपनी UN माइग्रेशन में। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के द्वारा निकाला जाता है जी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है जी 58। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 और ये वीपो के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 57th पोजीशन है जी अपनी। ह्यूमन कैपिटल स्कोर, ह्यूमन कैपिटल स्कोर वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है री इंडेक्स, 158th जो है वो अपनी पोजीशन है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया है, 177 जो है अपनी वो पोजीशन है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU के द्वारा निकाला गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और 42nd जो है इसमें अपना प्लेस आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 81st जो है वो पोजीशन आई है। उसके बाद है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने निकाला है, एंड द इसका जो अपना रैंक है वो है जी 44th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने निकाला है, एंड 133rd जो है वो इंडिया की पोजीशन है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने निकाला है 77th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ओके किसके द्वारा निकाला गया है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, IFPRI के द्वारा, 103 अपने जो है इंडेक्स है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये क्या था, हंगर इंडेक्स था, ये है जेंडर गैप इंडेक्स 2017 के बारे में भी है, तो ये है जी 108। 2017 में इंडिया का रैंक क्या था वहाँ पे, 108th रैंक था। किसके द्वारा निकाली गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसके बाद है IMD कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग ट्यूबरक्लोसिस केसेस, सो
सॉरी ये अलग है, यहाँ से ये अलग है। आईएमडी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो आईएमडी ने निकाली है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये है जी 44th। उसके बाद टीबी केसेस, टीबी केसेस के बारे में निकाला गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे है जी इंडिया ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ये टीबी केसेस के बारे में निकाला गया है। जेंडर गैप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें इंडिया की पोजीशन है 108। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसकी जो रैंक है इंडिया की वो है जी 136। ओके तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।